नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन कंटिन्यूसली वही चल रहा है अपना सेशन, अभी इंटूबेशन से रिलेटेड, जिसमें अपन ने पहले वो पढ़ा था एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, उसके साथ में ही एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के साथ में अपन ट्रेकिस्टोमी पढ़ लेते हैं, और साथ में अपन सक्शनिंग प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से इससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहता ही रहता है स्टूडेंट को। सक्शनिंग में कितना मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए और कौन सी पोजीशन रखनी चाहिए। ट्रेकिओस्टोमी सक्शनिंग क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्यूब जो सक्शनिंग है वो क्या होता है, और तमाम जो सक्शनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, होते ही होते हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम चाहे उठा के आप उसका पेपर देख लो, उसमें सक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्लस ट्रेकिस्टोमी है और ये इंटूबेशन इंटूबेशन मैकेनिकल इंटूबेशन जो भी है अपने वेंटिलेशन के साथ में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा एक डाउट क्लियर कर देते हैं एक बार। अभी मेरे जो वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, आप सभी का वास्तव में तहे दिल से स्वागत, और मैं आपका आभार हूँ कि आपने इतना मतलब ट्रस्ट बताए मेरी क्लास से। जो इतने सारे वीडियो है सब में व्यूअर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसमें से मेरा एसिड बेस इम्बेलेंस का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा, उन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया, स्टूडेंट का अच्छा रिप्लाई भी आया कि सर वास्तव में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये सभी आप लोगों का एक तरह से प्यार है, जो मेरी ये क्लासेज पे आप लोग इतना मतलब ट्रस्ट बना के रख रहे हो। क्योंकि मेरा हमेशा हमेशा से यही रहा है कि जो स्ट्रगल मैंने किया है 2008-09 से लगा के 2014 तक, मतलब यूँ देखे तो, है ना, जो स्ट्रगल मैंने किया है वो लोग कम से कम दूसरे लोग नहीं करें, है ना। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि चाहे जो अच्छा स्टूडेंट है, जब जो वास्तव में पढ़ने में टैलेंट है और जो जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो, तो बस मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म देने की है, बस इससे ज़्यादा और कोई कोशिश नहीं है मेरी। और आपके जितने भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो लास्ट बार एक क्लास ली थी मैंने एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, उसमें एक चीज़ मैं बताना, थोड़ा वो टॉपिक से रह गया था क्योंकि एक्चुअली मैं नोट्स से बहुत कम पढ़ाता हूँ, नोट्स मेरे खुद के बना के मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे ही मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं, उस समय क्या एक नोट्स पे नज़र जाती नहीं है, तो वो शायद थोड़ा सा छूट गया था। तो एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, एक सर इसमें अपन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के इंटूबेशन जब करते हैं, तो इंटूबेशन जब करते हैं तो उस प्रोसीजर के ड्यूरिंग, मतलब उस प्रोसीजर के दौरान अपन कौन सी पोजिशन देते हैं पेशेंट को, है ना। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बुक्स जो है वो बता रही है कि ये स्निफिंग पोजीशन देनी चाहिए, है ना, स्निफिंग पोजीशन देनी चाहिए, और किसी बुक्स में लिखा है कि नहीं सर ये रोज पोजीशन लिखा हुआ है, और कई बुक्स में है जो है वो रैंप पोजीशन भी लिखा हुआ है, जिसमें एम्स में क्वेश्चन भी आया था, है ना, लास्ट प्रीवियस जो पेपर उठा के देखो उसमें। तो एक एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के दौरान अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन रैंप पोजीशन भी आया था और वो सही आंसर था रैंप पोजीशन। तो इससे थोड़ा मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ एक बार कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़ है, ये अपन इसमें कन्फ्यूज क्यों रहते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं डाउट क्लियर कर देते हैं अपन। एक्चुअली में होता क्या है कि पोजिशन तीनों ही सेम है, सबसे बड़ी बात है सुनना आप ध्यान से, पोजीशन तीनों ही सेम है लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंस है तीनों में, है ना। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो उनकी जो एग्ज़ाम में जो पेपर बनाते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि तीनों साथ में पोजीशन नहीं दे, नंबर एक बात। लेकिन कोई पर्टिकुलर जो डिजीज़ या कंडीशन को लेके है, पर्टिकुलर कोई पेशेंट को डिजीज़ या कंडीशन, जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, जैसे मैं बताऊँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, जैसे ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर में, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, है ना, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। एक पेशेंट ऐसा है जो सीओपीडी का पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है ना ब्रीदिंग लेने में,
उस समय क्या है कि उसको इंटूबेट कर रहे हैं, एंडोटेकियल ट्यूब है वो इंटूबेट कर रहे हैं उसको, है ना, इंटूबेशन कर रहे हैं एंडोटेकियल ट्यूब का। तो उस समय उसको कौन सी पोजिशन देंगे, तो उस समय रैंप पोजिशन देंगे, उस समय अपन रैंप पोजिशन देंगे। तो ये पर्टिकुलर डिजीज होगी, तो ये थोड़ा बता देता हूँ मैं अभी इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ ये तीनों पोजिशन है क्या चीज़ें, अलग अलग थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि एक पेशेंट है, जैसे स्लीपिंग पोजीशन में क्या करते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन, मैं थोड़ा इमेज में आप, मैं इमेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इमेज देख लेना साइड में मेरे स्क्रीन पे बना हुआ है कि स्लीपिंग पोजीशन में क्या होता है, सर्वाइकल जो स्पाइन है वो तो रहेगी फ्लेक्सर, स्लीपिंग में क्या रहेगी, सर्वाइकल स्पाइन जो है, सर्वाइकल स्पाइन ये रहेगी फ्लेक्सर, फ्लेक्स रहेगी, है ना, इसको तो करेगी अपन फ्लेक्सर, है ना। और एटलेंटो, एटलेंटो जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ऑक्सीपिटल जॉइंट ये रहेगा एक्सटेंड, ये रहेगा एक्सटेंड, एक्सटेंशन, इसको अपन कहेंगे स्निफिंग पोजिशन। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब ये वाला पार्ट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फोटो में आप देखना कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो हो गया एटलेंटो, ये वाला पार्ट जो ऑक्सीपिटल के जस्ट ये रीजन है ना, इसको कहेंगे अपन एटलेंटो, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट है, तो ये तो क्या रहेगा एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन मतलब ये है बिल्कुल ही ऊपर, है ना, एक तरह से यूँ पूरा उठा हुआ यूँ, है ना, ये तो रोज पोजिशन बन गई। लेकिन अपने जो 10 सेंटीमीटर थोड़ा पिलो लगा के ऊपर उठाते इसको, 5-10 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा उठाते अपने, ना उठाते नीचे पिलो लगा के ऑक्सीपिटल रीजन पे थोड़ा सा उठा के, जैसे रिंग लगा दी, रिंग पे आती है इंटूबेशन के लिए रिंग आती है वो, तो रिंग या पिलो लगा के थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये क्या है एयर वे अपना पूरा अच्छे से विजुलाइज हो जाता है, पूरा एकदम से क्लियर हो जाता है ना। तो मैनेज एयर वे, जो डिफिकल्टी एयर वे मैनेज करने के लिए अपन यूज करते थे ये, उसको कहते हैं अपन स्निफिंग पोजिशन, ये भी आ जाता है। तो स्निफिंग पोजिशन अगर आए तो ये क्लियर, ये राइट करना है अपन को। अगर रोज पोजिशन आ जाए तो रोज में क्या होगा, एक तो सुपाइन होगा, रोज में क्या होगा, एक तो सुपाइन पोजिशन होगी, फ्लैट होगा, है ना, प्लस हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, ऑफ द नेक याद रखना, है ना। जैसे ये फ्लैट हो गया, अब पेशेंट ये सो रहा है, ये पेशेंट, ये हो गया, है ना। अब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक मतलब सुपाइन तो ये हो गया, सुपाइन फ्लैट लेट गया, इसकी जो नेक है, सुपाइन होकर नेक है पूरा का पूरा फ्लेक्स, है ना, जिसमें टॉन्सिलेक्टोमी, एडेनोक्टोमी इसमें करते हैं, तो हाइपर एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करके पूरा का पूरा थोड़ा खींच के एक्सटेंशन करते हैं, और फिर अपन को करते हैं इंटूबेट करते हैं, तो उसको कहते हैं रोज पोजिशन, है ना। अब एक रैंप पोजिशन और होती है, याद रखना, रैंप पोजिशन और होती है। रैंप में क्या होता है, एज ए रैंप कहते हैं ना कि मकान में कहीं रैंप बनाते हैं ना, कोई बिल्डिंग में रैंप बनाते हैं, है ना, रैंप मतलब ढलान में, ढलान में ऊपर, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये इस तरीके का एक पिलो या चादर बना दो उसका, और रैंप मतलब रैंप ये ऊपर जा रहा है जैसे, और ये पेशेंट ऐसे सो गया। अब क्या करते हैं पेशेंट को अपन, जैसे ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट है, इस तरीके, तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक तो हो गई, प्लस ये जो इसका ये नोच हो गया ना, ये स्टर्नम नोच, ये तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये यहाँ से, इस तरीके रैंप के ऊपर पिलो बना के, मतलब एक तरह से रैंप होता है ना, रैंप की तरह पिलो बना के उसके ऊपर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली किसमें देते हैं अपन, ओबेज पेशेंट हो गया, ओबेज पेशेंट याद रखना, ज़्यादातर ओबेज पेशेंट अगर कोई हो गया तो उसमें अपन रैंप पोजिशन देती है इंटूबेट करने के लिए। प्लस अगर कोई पेशेंट डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो गया, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है ना, तो और ज़्यादा वो हाइपोक्सिया नहीं हो जाए, है ना,
इसलिए अपन रैम पोजिशन में उसको रखे इंटूबेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं अपन एक्चुअल टॉपिक की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट आपसे, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सभी दोस्तों से, और मेरे लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है उनसे मेरा निवेदन आग्रह है कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म उसमें मेरी क्लास भी शामिल हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए ऑप्शंस मिले, है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करें। चले अपन आगे, चले आगे चलते अपन अपना नया टॉपिक लेते हैं आज, ट्रेकिस्टोमी। अब इंटूबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब पूरा हो गया था अपना, उसके बाद में आज अपन लेते हैं ट्रेकिस्टोमी। ट्रेकिस्टोमी में एक बार मैं थोड़ा सा पार्ट्स बता देता हूँ ताकि इसको एक बार मिटा देता हूँ, तो यहाँ ब्लू ये वाइट बोर्ड है वो पूरा यूज हो जाएगा। ट्रेकिस्टोमी में क्या होता है, नंबर एक इसके पार्ट थोड़ा सा, उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर मैं हटा देता हूँ उसको, है ना। नंबर एक ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी एक तो एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसके बारे में अपने पहले पढ़ा था। एंडो मतलब इनसाइड, ट्रेकियो मतलब ट्रेकियल, ट्रेकिया से रिलेटेड होगी, है ना। अब ट्रेकिया के अंदर जो ट्यूब जाती है उसको तो कहते हैं अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब, है ना। अब अगर ये प्रोसीजर नहीं करते अपन, ये अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब वाला प्रोसीजर नहीं करते, इंटूबेट नहीं करते पेशेंट को, और पेशेंट को अगर लॉन्ग टाइम रखना है, लॉन्ग टाइम रखना है, या ऐसी सिचुएशन आ गई पेशेंट में, ऐसी कोई डिजीज है उसको, या ऐसी कोई सिचुएशन या कंडीशन हो गई जिसमें अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते ट्रेकिया में, बाई ओरल बाई नेजल इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उस समय क्या करते हैं अपन, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। उसमें बहुत सारी कंडीशन है जो अपन आगे पढ़ेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब या और कोई डिजीज़ या उसकी वजह से एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर उसमें इंसर्ट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, इंटूबेशन नहीं कर सकते उसको, तो अपन उस समय क्या करते हैं, फिर ट्रेकियोस्टोमी करते हैं पेशेंट में। और ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो ट्रेकियोस्टोमी में इंडिकेशन तो अपन आगे पढ़ेंगे, और ट्रेकियोस्टोमी होती क्या है, ये भी ट्रेकियम जा रही है, ये भी ट्रेकियम जा रही है, बस इस दोनों में डिफरेंस ये है, ये ट्रेकियो, ये भी ट्रेकियल, तो ट्रेकियो मतलब ये भी ट्रेकियम जा रही है, नंबर एक पॉइंट, है ना। स्टोमी मतलब स्टोमा करके, स्टोम मतलब इंसिजन लगा के स्टोमा बना के, स्टोमा मतलब छेद, अपन कहते हैं ना जनरली छेद बना के, स्टोमा छेद बना के किसी चीज़ को, ट्रेकिया के अंदर छेद बना के किसी चीज़ को, किसी ट्यूब को अंदर डालते हैं तो उसको कहते हैं अपन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। आया यहाँ तक समझ में, ये आ गए यहाँ तक समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब तो हो गया, ट्रेकिया के अंदर जो स्टोमा बना के इंसर्जन करके जो ट्यूब जाती है अंदर उसको कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब ट्रेकियोस्टोमी क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर यही है, इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर, नंबर ए इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें क्या होता है, इंसिजन लगा के स्टोमा बनाते हैं, किस में बनाते हैं, ट्रेकिया के अंदर, है ना। सर्जिकल प्रोसीजर है, इंसिजन लगा के ट्रेकिया के अंदर स्टोमा बनाते हैं, है ना, उसको कहते हैं अपन ट्रेकियो स्टोमी, ट्यूब डालते हैं, ट्रेकिया बना के ट्यूब डालते हैं उसको कहते हैं अपन ट्रेकियोस्टोमी। चलो अब देखने वाली बात यह है कि ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है, सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन आता रहता है, याद रखना, अपन छोटे छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सा टच करके निकलते हैं। ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है आपको पता ही होगा, एनाटोमी पढ़ा होगा, है ना,
ट्रेकिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है नॉर्मली? 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। नंबर एक क्वेश्चन, एडल्ट जो ट्रेकिया होती है उसकी लेंथ हो गई वो 10 से 15 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, ट्रेकिया में जो रिंग रिंग होते हैं वो लगभग कितनी होती है? ट्रेकियल कार्टिलेज लिंग रिंग हो गई, कार्टिलेज कार्टिलेज रिंग्स हो गई, वो कितनी हो गई? लगभग 16 से 20, 16 से 20 है ना, ये रिंग हो गई। इतनी रिंग ट्रेकिया मतलब कार्टिलेज रिंग इतनी 16 से 20 लगभग मिलके ये रिंग बनाती है, जो जिसको अपन ट्रेकिया कहते हैं, कार्टिलेज की बनी होती है। नंबर दो क्वेश्चन हो गया। अब अपन इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं अपन। एक्चुअली में क्या होता है, ट्रेकिस्टो में जो ट्यूब होती है वो मेनली 3 पार्ट में बटी होती है। मेनली कितने कितने भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं अपन? 3 भागों में। सबसे पहले इनर कैनुला, उसके बाद में आउटर कैनुला, आउटर कैनुला, उसके तीसरा हो गया ऑर्बिचू, ऑर्बिचुरेटर। 3 भागों में मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड होती है ना। सबसे पहले जो ये पार्ट तीनों अलग अलग होते हैं, सबसे पहले क्या होता है इनर कैनुला। इनर कैनुला क्या हो गया कि ट्रेकिस्टोमी की मतलब मेन जो ट्रेकिस्टोमी, आउटर ट्रेकिस्टोमी, ये आउटर कैनुला हो गया। मतलब ये भाग तो इसका आउटर हो गया, ये वाला, ये आउटर इसलिए कहते हैं कि ये पाइप हो गई, ये ट्रेकिस्टोमी की पाइप हो गई। तो पाइप ये पूरी ट्रेकिया के अंदर जाती है, पूरी ट्रेकिया के अंदर जाती है ये पाइप। तो इसको आउटर इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटसाइड में रहती है ना। इसके अंदर एक और आता है जिसको अपन इनर कैनुला कहते हैं, इसके अंदर एक और आता है जिसको अपन इनर कैनुला कहते हैं। ये भी इसके अंदर अंदर पूरा जाता है और ये क्लीन करके वापस बाहर आता है, इसको कहते हैं अपन इनर कैनुला। आउटर पूरा अंदर जाता है ये, है ना। ऑर्बिचुटर, ऑर्बिचुटर और ये ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर मतलब ये है कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा अंदर जाता है, पूरा का पूरा अंदर जाके ये फिट होता है, यहाँ ऐसे इस तरीके से फिट होता है, तो उसको कहते हैं अपन ऑब्चुरेटर। ये इस तरीके से फिट होता है। फिट होने का मतलब ये है, क्यों फिट क्यों करते हैं इसको, कि एज ए डायलेटर, ये जब ट्रेकिस्टोमिक ट्यूब अंदर इंसर्ट करते हैं, स्टोमा बना के इंसर्ट करते हैं, तो एज ए गाइडर की तरह काम करता है ये मतलब अंदर फिट रह के फिर पूरा का पूरा अंदर डायलेटर की तरह काम करता है, एज ए गाइड की तरह काम करता है। जो कोई अंदर वाला जो इंसर्ट करते टाइम कोई भी अपना जो पार्ट है अंदर, कोई भी मसल्स, वेसल्स, कैपिलरी या ये जो भी जो स्मूथ मसल्स है वो डैमेज नहीं हो, कार्टिलेज डैमेज नहीं हो, इसलिए बिल्कुल ये एक तरह से गाइडर की तरह काम करता है, इसको कहते हैं अपन ऑब्चुरेटर, ठीक है। और इनर कैनुला ये मूवेबल है, रिमूवेबल है, डिस्पोजल है, ये बार बार कभी भी अंदर अंदर जाके सफाई करने के लिए जब भी अपन को क्लीन करना हो तो इसको अंदर डालेंगे वापस बाहर निकाल देंगे, तो ये है जो चीज़। और आउटर जो कैनुला है ये अंदर ट्रेकिस्टोमी के साथ फिक्स रहता है, और ये इसके साथ में ये बैंडेज अपन जो नेक नेक का जो बैंडेज है वो नेक का बैंडेज अपन बांधते हैं, ये नेक वाला बैंडेज का एरिया हो गया, है ना, इसको कहते हैं अपन ट्रेकिस्टोमी। अब चलते हैं अपन मेन जो पार्ट है अपना उस तरफ, ओके। चलिए इससे अच्छा क्लीन होता है, व्हाइट बोर्ड का ही कपड़ा है, इससे बहुत शानदार क्लीन होता है। ये है, अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि ट्रेकिस्टोमी होती क्या है। और सबसे पहले अपन देखा जाए, सबसे पहले अपन देखा जाए कि अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें ट्रेकिस्टोमी लोकेशन पढ़ेंगे। एक तो ट्रेकिस्टोमी कहाँ कहाँ लगाते हैं, क्या लोकेशन होती है। नंबर दो,
ट्रेकिओस्टोमी लगाते समय इसकी पोजीशन क्या है? ठीक है, उसके बाद में पढ़ेगी अपने इसके फंक्शंस क्या है। ट्रेकिओस्टोमी का क्या फंक्शन है? चौथा पढ़ेगी अपन इंडिकेशन क्या है इसके ट्रेकिओस्टोमी के। उसके बाद पढ़ेगी अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अपना कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो मज़ा आता है क्वेश्चन के आंसर देने में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लिया, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर ट्रेकिओस्टोमी करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद में 7 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्शनिंग, बहुत शानदार पार्ट है ना, और ये सारी चीज़ें अपन आज पढ़ने वाले हैं। नंबर एक ट्रेकिओस्टोमी ट्यूब क्या होती है पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लोकेशन कहाँ होती है, तो ट्रेकिओस्टोमी की जो लोकेशन है वो कहाँ लगाते हैं अपन ट्रेकिओस्टोमी, याद रखना क्वेश्चन नंबर एक। ट्रेकिओस्टोमी की जो लोकेशन है वो ट्रेकियम कहाँ लगती है, ट्रेकियम नंबर एक कहाँ लगती है, ट्रेकियम में स्टोमा बना के ट्रेकिओस्टोमी सर्जिकल जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू इंसर्जन करके अपन स्टोमा बना के उसमें इंसर्ट करते हैं ट्यूब को, इंसर्ट ट्रेकिओस्टोमी ट्यूब। ओके क्लियर, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, दो तरह की होती है, ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर दो। दो तरह की होती है, एक होती है हाई ट्रेकिओस्टोमी, एक होती है लो ट्रेकिओस्टोमी। क्वेश्चन नंबर दो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हुआ है और आप और आगे फ्यूचर में आ जाएं कि हाई ट्रेकिओस्टोमी क्या होता है, लो ट्रेकिओस्टोमी क्या आता है, तो जनरली अपन प्रिफर किसको करते हैं, लो ट्रेकिओस्टोमी के, याद रखना लो ट्रेकिओस्टोमी को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ये कहाँ लगती है, कार्टिलेज जो ट्रेकिया का जो रिंग ट्रेकियल कार्टिलेज रिंग होती है, ट्रेकियल कार्टिलेज रिंग सेकेंड थर्ड या कभी कभी फोर्थ, या तो सेकेंड थर्ड के बीच में लगेगी, या तो सेकेंड और थर्ड जो कार्टिलेज है उसके स्पेस के बीच में स्टोमा बना के फिर ट्रेकिओस्टोमी लगाएगी, या थर्ड और फोर्थ के बीच में, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। नंबर दो समझ में आ गया, ये किस में हो रहा है, लो ट्रेकिओस्टोमी में। इसको लो क्यों कहते हैं, लो इसलिए कहते हैं कि क्रिकॉइड होता है ना, ये मिठा देता हूँ, अपना जो क्रिकॉइड हो गया गले में, इथमस जिसको अपन इथमस कहते हैं, यूँ समझ लो गले में जो इथमस हो गया, इथमस है ना, इथमस जो थायरो क्रिकेट थायरो थायरॉइड हो गया, क्रिकेट थायरॉइड है ना, क्रिकॉइड जो हो गया क्रिकॉइड, ये वाला है ना, ये वाला क्रिकॉइड है ना, जिसमें अपना इंटूबेशन के दौरान अपन इसको क्रिकॉइड इंटूबेट करते हैं पेशेंट को बाई एंडोट्रेकियल ट्यूब से, तो क्रिकॉइड प्रेशर भी लगाते हैं अपना, ये वाला, तो इसको कहते हैं अपन क्रिकॉइड, जो सबसे बाहर की तरफ एक थोड़ा विजुअलिज भी होता है और फील करते हैं, तो सबसे बड़ा जो फील होता है तो यहाँ पे इथमस होता है। इथमस के अगर ऊपर करें, इथमस के अगर ऊपर होती है ट्रेकिओस्टोमी, फर्स्ट फर्स्ट जो रिंग होती है वहाँ पे, अगर वहाँ होते तो वहाँ तो हो गए हाई ट्रेकिओस्टोमी। अगर इथमस के नीचे सेकेंड थर्ड और फोर्थ हो गया, तो अगर नीचे की तरफ करते हैं, इथमस के जस्ट नीचे की तरफ करते हैं, तो
सेकेंड फोर्थ में तो उसको कह गए अपन लो ट्रेकियोस्टोमी। अच्छा इसमें भी फिर डिफरेंस है, इसमें भी फिर डिफरेंस है कि ऐसा पेशेंट, याद रखना ये बहुत ही ज़रूरी, मतलब बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही शानदार चीज़ है, याद रखना इसको, क्वेश्चन आया हुआ ये भी एग्ज़ाम है कि हाई ट्रेकियोस्टोमी अपन किस में करते हैं, याद रखना ये। लो ट्रेकियोस्टोमी तो अपन जनरली सब में करते हैं, हाई ट्रेकियोस्टोमी में ज़्यादातर किस में करते हैं याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाई ट्रेकियोस्टोमी, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ हाई ट्रेकियोस्टोमी, व्हेन द हैंड हाई ट्रेकियोस्टोमी अपन यूज करते हैं, तो याद रखना कि हाई ट्रेकियोस्टोमी उस समय की जाती है पेशेंट में जब पेशेंट सी ए लेरिंग का हो, याद रखना ये सी ए लेरिंग्स, लेरिंग्स सी ए लेरी, सी ए लेरिंग्स, क्यों कि अगर कोई पेशेंट को सी ए लेरिंग्स है, लेरिंग्स है उसको, मतलब कैंसर ऑफ, अगर सी ए का मतलब ये सी ए है, लेरिंग्स का अगर किसी को कैंसर है तो उसमें फॉर फर्दर उसको लेरिंजेक्टोमी करने की पड़ सकती है, उसको ज़रूरत है लेरिंजेक्टोमी, है ना, लेरिंजेक्टोमी, है ना, अगर उसको लेरिंजेक्टोमी करने की ज़रूरत है तो उस समय अपन जो है हाई ट्रेकियोस्टोमी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, ये याद रखना। और लो में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लो में तो लगभग सब में करते ही हैं। ओके चले आगे, यह हो गया, लोकेशन पता चल गया कहाँ करते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं पोजीशन, उसके बाद चलते हैं अपन पोजीशन, पोजीशन मतलब पोजीशन से ये मीनिंग है कि पेशेंट को क्या पोजीशन दिलाई गई, पोजीशन से ये मीनिंग है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी का, तो उस समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन दिलाते हैं, तो उस समय पेशेंट को रोज पोजीशन दिलाते हैं, याद रखना है क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। रोज मतलब वही पेशेंट सुपाइन रहेगा और उसका हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, मतलब जो उसकी नेक है इस तरीके से नेक है वो बहुत हाइपर एक्सटेंड होगी, है ना, रोज पोजीशन होगा तो ये हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा, ट्रेकियोस्टोमी के लिए अच्छे से स्पेस मिल जाएगा और कार्टिलेज है जो प्रॉपर व्यवस्थित हो जाएगा, समझ में आ गई। उसके बाद में चलते हैं अपन फंक्शन, उसके फंक्शन क्या है ट्रेकियोस्टोमी के, क्या फंक्शन है ट्रेकियोस्टोमी के, फंक्शन ये है कि एयरवे का जो पाथवे होता है, एयरवे का जो पैथ है ना, पैथवे एकदम क्लियर होता है, ना एडिशनल पाथवे आप कह सकते हो, एडिशनल पाथवे कह सकते हो, मतलब ऐसा पेशेंट जो अपने स्वतः ही वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, कोई बाहर से अपन उसको ब्रीदिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो अपना एरिया है नेजल कैविटी ओरल कैविटी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हो कहीं, ये प्रॉपर नेजल और ओरल कैविटी से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि अपन नया रास्ता बनाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर से, है ना, नया रास्ता बनाते हैं, तो नया रास्ता जो पैथवे होता है मतलब ऑक्सीजन देने के लिए एयर देने के लिए उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो वापस बढ़िया अच्छे से रिकवर करने के लिए, तो उस समय अपन उसको वेंटिलेशन करने के लिए, उसको वेंटिलेट के द्वारा वेंटिलेशन करने के लिए, एम्बुबैग से वेंटिलेशन करने के लिए या ऑक्सीजन देने के लिए अपन ट्रेकियोस्टोमी है जो ट्यूब वो यूज करते हैं, उस समय एक नया रास्ता बनाते हैं उसको कहते हैं अपन ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है आगे चले अपन, अब चलते हैं अपन इंडिकेशन इज द मोस्ट टॉपिक, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, वेरी शानदार टॉपिक, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको और शायद आपको समझ में भी आ गया आएगा, बिल्कुल सिंपल सा मैं सिंपल सा बताता हूँ ट्रेकियोस्टोमी के इंडिकेशंस क्या है, नॉर्मली आप समझना कोशिश करना, जैसे ये मैंने ब्रेन बनाने की कोशिश करी है ना, ये क्या है ब्रेन,
ये क्या है, लंग्स। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। ओके माय डियर, अब आप इसमें नोटिस करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कोई नहीं। अब मैं देखो मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करी है। ये लंग्स बनाए मैंने, ठीक है ना, ये लंग्स बनाए मैंने, ठीक है ना, राइट लेफ्ट लंग्स बनाए और ब्रोंकस बनाए, ये कैरिना हो गया। यहाँ से मैंने थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश, मतलब डिवाइड करी, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद में ये एक नंबर पे ब्रेन हो गया, दो नंबर पे, ये एक तरह से मैंने डायग्राम बनाया जिससे आप, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर सकूं, है ना। अब क्या करते हैं, इंडिकेशन क्या है ट्रेकिस्टोमी के, चलते हैं अपन यहाँ। ट्रेकिस्टोमी के इंडिकेशन क्या है, ठीक है। ये ट्रेकिस्टोमी हो गया जैसे, अब समझते हैं अपन एक्चुअली में क्या है। जैसे चार तरह के इंडिकेशन हो गए, चार तरह के। जैसे सबसे पहले अपन ब्रेन का लें, ब्रेन में क्या हो गया, ध्यान से समझना। अगर ब्रेन, जैसे कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट है, एक्सीडेंटल हो गया उसका, या ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जहाँ से रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, अपन ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, अगर वो पार्ट अगर डैमेज हो जाए, जैसे ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर का वो पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, अब उसमें कई सारी वजह हो सकती है, एक्सीडेंटल वजह हो सकती है, ट्यूमर वजह हो सकती है, टिश्यू नेक्रोटाइज या अदर कोई डिजीज़ ब्रेन की, जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो उसको डैमेज कर देगी। उसको डैमेज करने के बाद में क्या है कि रेस्पिरेटरी सेंटर अगर उसका फेल हो गया, अब फेलियर हो गया तो वो क्या, रेस्पिरेटरी जो आगे है वो प्रॉपर आगे जो है वो ब्रीथ करना बंद कर देगा, कि उसका रेस्पिरेटरी जहाँ से कंट्रोल होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, अगर वही अगर काम नहीं करेगा, वही अगर काम नहीं करेगा, तो फिर जो वाइटल साइंस तो उसके नॉर्मल हो गए, वाइटल साइंस उसके नॉर्मल हो गए, लेकिन ब्रेन उसका वर्क नहीं कर रहा है। वाइटल साइंस, हार्ट उसका एकदम सही होगा, किडनी अपना फंक्शन कर रही है, और अगर अदर अदर ऑर्गन जो अपना अपना काम करेंगे, लेकिन लंग्स है जो प्रॉपर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो डैमेज हो रखा है ना। तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय अपन क्या ट्रेकिस्टोमी करते हैं, नंबर एक। उस समय क्या करेंगे अपन, ट्रेकिस्टोमी कर सकते हैं, ये ट्रेकिस्टोमी है ना। उस समय अपन पेशेंट को ट्रेकिस्टोमी कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है, सबसे पहले अपन लेंगे तो कोमा, नंबर एक। अगर कोई पेशेंट कोमा में, उसका रेस्पिरेटरी समय मतलब ये डैमेज है हो रहा है, जैसे कोमा हो गया, सीवी हो गया, सेरेब्रो
सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट है ना, कोई भी हेड इंजरी हो गई है ना, तो इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो वर्क नहीं करेगा, उस समय अपन ट्रेकोस्टोमी करेंगे, नंबर एक। नंबर दो न्यूरोलॉजिकल, मतलब अब वाइटल साइंस भी नॉर्मल है, ब्रेन एकदम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर ठीक है, ब्रेन एकदम एक्टिव है, बिल्कुल हेल्दी है ब्रेन, लेकिन क्या होता है नर्वस सिस्टम में अगर कोई ब्लॉक है, न्यूरोलॉजिकल न्यूरल कोई डिफेक्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ है उसको, कोई भी डिजीज हो सकती है या और भी कोई वजह है, ब्रेन से तो उसको सिग्नल अच्छे से मिल रहे हैं कि जाओ भाई अपना काम करो, उसको रेस्पिरेटरी अपना काम, जैसे वेगस नर्व है, अगर वो अगर डैमेज है या कहीं और भी कोई वजह है, बहुत सारी वजह भी हो सकती है, अगर नर्वस सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है तो उस समय क्या होगा, उस समय जो उसको मतलब रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी, तो उस समय प्रॉब्लम आएगी तो उसको कहेंगे अपन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। तो जैसे पोलियो हो गया, पोलियो माइलेटेज हो गया है ना, माइलेटस हो गया है ना, उस समय नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर काम नहीं कर रहा है तो, टिटनेस हो गया, ठीक है, नेक्रोटाइज, न्यूरोलॉजिकल अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, नार्कोटिक्स ओवरडोज, याद रखना है क्वेश्चन आया हुआ है, नार्कोटिक्स ओवरडोज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर किसी पेशेंट में जैसे कोई ओपोइड पॉइजनिंग आ गया पेशेंट, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा पेशेंट है ना, तो नार्कोटिक्स ओवरडोज अगर उसको है ना, तो एकदम से उसका क्या, पहले रेस्पिरेटरी जो पैटर्न है वो चेक करते हैं, उसको ऑक्सीजन देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, नार्कोटिक्स जो ओवरडोज होने के बाद में उसका जो CNS है वो पूरा डिप्रेस हो जाता है एक तरह से, और वो फिर ओवरडोज नार्कोटिक्स ओवरडोज की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, और उससे माइस्थेनिया ग्रेविस उसमें भी नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है ना, और डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर डायफ्राम, जैसे ये डायफ्राम है या लंग्स के नीचे, अगर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक तरह से है उसका कोई, डायफ्राम है ना, डायफ्राम का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उस समय भी अपने लंग्स है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, दो में समझ में आ गया, उस समय क्या करेंगे अपन, इन सारी जो कंडीशंस है उसमें टेकोस्टोमी अपन को करनी पड़ सकती है ना, तो ये हो गया। और उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो गया, जैसे कोई फॉरेन बॉडी है या टेकेस्टोमी करना, मैं इंटूबेट कर ही नहीं पा रहा क्यों, कि अंदर कोई न कोई मेरे ओरल कैविटी के अंदर जस्ट या ऐसा कुछ फॉरेन बॉडी जो है वो, जैसे अगर वो पानी में कीचड़ में डूबा हुआ है, मड बहुत ज़्यादा है अंदर, इधर दिख नहीं रहा, अंदर सक्शन भी कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उस समय कोई पत्थर है, पत्थर फंस गए, या कोई टॉय है, खिलौना वगैरह वो फंस गया, या और कोई फॉरेन बॉडी है वो ऑब्स्ट्रक्ट एयर वे पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उस समय अपन को क्या टेकेस्टोमी करनी पड़ सकती है ना, तो चॉकिंग हो गया, पेशेंट ट्रॉमा हो गया है ना, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी है, हेड इंजरी है, हेड पूरी चल गया, तो उस समय अपन ट्रेकोस्टोमी करती है। स्टेनोसिस हो गया, बिल्कुल नैरोइंग हो गया पार्ट, स्टेनोसिस है ना, ट्रेकियल या ओरल कैविटी, ब्रोंकस वगैरह पूरा स्टेनोसिस है उसका, नैरोइंग पैटर्न, या कोई एनामलीज हो गई है ना, बॉडी एनामलीज हो गई, मतलब एबनॉर्मलिटी कुछ ना कुछ है, तो उस समय भी अपन को ये करना पड़ सकता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया ना, जिसमें डिप्थीरिया भी आता है, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस है ना, इस समय इन्फेक्शन हो गया, और तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो फिर ये ट्रेकोस्टोमी सिवियर हो गया तो अपन करनी पड़ सकती है। अब लोअर में कौन कौन सा आएगा, चौथा नंबर, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, उस समय कब ट्रेकोस्टोमी करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे अपने ये अपने आ गया, लंग्स में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन आ रहा है, लंग्स में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन आ रही है, जैसे COPD पेशेंट है ना,
ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल सॉरी ब्रोंकियल अस्थमा नहीं, सॉरी सॉरी ब्रोंकाइटिस है ना, ये सारी चीज़ हो गई। एम्फाइसीमा तो ये सारी चीज़ें कोलेप्स हो गए लंग, तो उस समय क्या करते हैं अपन को ट्रेकोस्टोमी करनी पड़ती है ना। ये हो गया इंडिकेशन, समझ में आ गया, बहुत सारी इंडिकेशन है। और मेन मेन मुद्दा ये है कि सबको मिला के एक ही बात बन गई, वापस समरी अगर करें सबके तो एक ही सारांश कि एयरवे अपन को प्रॉपर उसको मेंटेन करना है, तो एक अल्टरनेट जो एडिशनल जो अपने रास्ता बना रहे, पैथवे बना रहे, तो उस समय अपन को ट्रेकोस्टोमी करनी पड़ती है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अपन ले, अगर इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यस वेरी गुड क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ ये भी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप हुए। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर बात करें अपन कि कौन से पेशेंट में अपन को ट्रेकोस्टोमी नहीं करनी चाहिए, याद रखना, तो अनकॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रोंकियल अस्थमा, याद रखना, अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रोंकियल अस्थमा में कभी भी ट्रेकोस्टोमी नहीं करते। क्वेश्चन आया हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रोंकियल अस्थमा में कभी भी ट्रेकोस्टोमी नहीं करते, और एक निमोनिया वाले पेशेंट में कभी भी ट्रेकोस्टोमी नहीं करते, है ना। ये दो चीज़ याद रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये नहीं करते इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपन, इंडिकेशन पढ़ लिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लिया, अब चलते हैं अपन सक्सनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सक्सनी, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है, इतनी बार एग्जाम आया हुआ है। कॉम्प्लिकेशन लेते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन में याद रखना, कॉम्प्लिकेशन में अपन ट्रेकिस्टोमी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो ए बी सी डी से याद रखना, ई बी सी डी याद रखना, कॉम्प्लिकेशन में ना, ए से एयरवे से, ए से क्या होगा एपनिया, ए से हो गया एपनिया, बी से ब्लीडिंग, ब्लीडिंग सी से क्या हो गया कार्डियक अरेस्ट, और डी से हो गया डिसलॉजमेंट, डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब, डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब। अब समझना ए बी सी, ए सी एपनिया का क्या मतलब है, अगर किसी पेशेंट में, याद रखना इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ मैं, जैसे पेशेंट में ट्रेकिस्टोमी करते हैं, जैसे जैसे ये ट्रेकिया है, अब मैं यहाँ पे ट्रेकिस्टोमी करी, स्टोमा बनाने की वो सर्जिकल इंसर्शन दिया उसको, ट्रेकिया के अंदर सर्जिकल इंसर्शन दिया उसका, और मैंने उसका सर्जिकल इंसर्शन दे दिया और एकदम से बनाने की कोशिश की मैंने, क्या 2 मिनट, सॉरी सॉरी 2 मिनट, 2 मिनट, सर्जिकल इंसर्जन दिया और ट्रेकिया में और स्टोमा बनाया, स्टोमा बनाया, स्टोमा, जैसे ही मैं स्टोमा बनाता हूँ, जैसे ही मैं स्टोमा बनाता हूँ, तो क्या करेगी जो CO2 है वो स्केप आउट हो जाएगी, स्केप आउट हो जाएगी, मतलब CO2 जो है वो एकदम से पूरी बॉडी के जो CO, मतलब लंग्स के, जो लंग्स के अंदर जो CO2 है उसका भी बहुत बड़ा मतलब रोल होता है, बॉडी में CO2 होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो CO2 एकदम से एस्केप हो गई, एस्केप हो गए, तो वो क्या करेगा फिर, रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है एक तरह से, वो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो स्टिमुलेट हो गया, उसने बंद कर दिया, उसने स्टिमुलेट बंद हो गया, उसने स्टिमुलेट ही करना बंद कर दिया CO2 नहीं होने की वजह से, तो फिर वो एक तरह से एपनिया में, पेशेंट एपनिया में चला जाएगा। नंबर एक, पेशेंट को मतलब ये पूरा का पूरा ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि रप्चर हो सकता है ना एंटीरियर जुगुलर वैन, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ब्लीडिंग कब हो सकती है, एंटीरियर जुगुलर वैन और ब्लीडिंग एंटीरियर जुगुलर में, ये रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है अगर एंटीरियर जुगुलर वैन, मोस्ट प्रोबेबली एंटीरियर जुगुलर वैन और इन्फीरियर थायराइड वैन, इन्फीरियर इन्फीरियर थायराइड वैन, ये जो है रप्चर होने के चांसेस रहते हैं ना, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब कार्डियक अरेस्ट का क्या है, कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है ना, ट्रेकिस्टोमी में कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है,
कार्डियक अरेस्ट होने की वजह ये है कि एकदम से क्या है कि वो ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होगी, हाइपोक्सियम चला जाएगा पेशेंट, हाइपोक्सियम चला जाएगा, वेगस नर्व वगैरह वो स्टमुलेट अगर हो जाती है एकदम से, तो फिर वो ट्रिगर करती है किसको, वेसोवेगल को, वेसोवेगल को ट्रिगर करेगी, तो एक तरह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट। और डिसलॉजमेंट ऑफ टीटी ट्रेकिस्टोमी, ये भी मतलब अपना जो पहले से वो चेंज कर सकती है या दूसरी जगह दूसरे स्पेस में जा सकती है ट्रेकिस्टोमी। ये अब मैं सक्सनिंग का बता देता हूँ थोड़ा, सक्सनिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है ये ट्रेकिस्टोमी सक्सनिंग या चलते हैं अपन सक्सनिंग की ओर। सक्सनिंग क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, सक्सनिंग क्या है, क्वेश्चन बनते रहते हैं इसके। सक्सनिंग क्या है ना, सक्सनिंग क्या है, सक्सनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, सक्सनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो अपन बाहर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या मैनुअल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू नेगेटिव प्रेशर बना के बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, वैक्यूम से, बाई वैक्यूम क्रिएट करके उस चीज़ को एक तरह से बाहर निकालना, उसको कहते हैं अपन सक्सनिंग, है ना। कोई भी प्रोडक्ट चाहे फ्लूड हो चाहे और भी कोई चीज़, उसको कहते हैं अपन सक्सनिंग। अब सक्सनिंग में अपन याद रखने वाली बात क्या है, मेनली उसका प्रेशर कितना होता है, कितना रखना चाहिए। सक्सन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ है कि सक्सनिंग है जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब या इंटूबेशन जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसके उस सक्सन में प्रेशर कितना रखना है, जो MM ऑफ HG में रहता है। तो अपने सबसे पहले तो ये है कि प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म बेबी एक हो गया, इन्फेंट एक हो गया, चिल्ड्रन चाइल्ड एक हो गया, एडल्ट। बिल्कुल आराम से याद रखना है, प्रीटर्म बेबी में सक्सन का जो प्रेशर होता है वो कितना रखना है, 42 60 mmHg याद रखना है ना। और अब 20 है ना, इसमें 20 है जो प्लस करते जाओ, 42 60 प्रीटर्म बेबी में जो, तो उसके बाद इन्फेंट में कितना हो जाएगा, 62 80, तो चाइल्ड में कितना हो जाएगा, 80 to 100, और इसमें कितना हो जाएगा एडल्ट में, 100 to 120। ये आया हुआ क्वेश्चन याद रखना, 120 mm ऑफ HG, ये है अपना सक्सनिंग का प्रेशर, कितना क्या सक्सनिंग का प्रेशर रखना होता है ना। और सक्सन कैटेटर की जो साइज है वो क्या है, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, सक्सन कैटेटर की जो साइज है मेनली वो कितनी है, एडल्ट में अपन कितनी रखते हैं, एडल्ट में रखते हैं 12 to 18, 12 साल लेगा कि 18 फ्रेंच में आता है ये, HH या सेंटीमीटर में कभी नहीं आता, या डायमीटर में कभी नहीं आता, ये फ्रेंच में आता है ना, जो 12 to 18 जो सक्सन कैटेटर की वो है। और अपने एडल्ट में रखते हैं, चाइल्ड में रखते हैं 8 to 10 और 5 से 8 इन्फेंट में, और इसमें तो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से प्रीटर्म बेबी में यही लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता दूँ आपको एक मेन बात, सक्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कंटिन्यू, कि एक तो ट्रेकिस्टोमी ड्यूरिंग ट्रेकिस्टोमी उसको कौन से पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन, और ट्रेकिस्टोमी देने के बाद में उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन, है ना, FOL फाउलर पोजीशन, ठीक है ना। ये एक तो ये क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में ट्रेकिस्टोमी सक्शन कब करना चाहिए पेशेंट का, कब कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो जब पेशेंट फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर ट्रेकिस्टोमी एवरी 30 मिनट्स,
एवरी 30 मिनट सक्शन करना चाहिए ट्रेकिस्टोमी का। समझ में? ट्रेकिस्टोमी होने के बाद में मतलब एक दिन 24 आवर्स का, जैसे अभी हुई तो कल वापस इसी समय ट्रेकिस्टोमी जो है उसका सक्शन एवरी 30 मिनट्स करना है। एडल्ट हो तो कितना प्रेशर पे करना है, 100 से 120 mm ऑफ HG में प्रेशर तो वो लगाना है। अब हर आधे घंटे बाद में, यूँ समझ लो हर आधे घंटे बाद में 24 घंटे तक, फर्स्ट 24 घंटे तक हर आधे घंटे बाद में उसका सक्शन करना है, नंबर एक। दूसरा, उसके बाद जैसे ही 24 घंटे हो जाएगी ट्रेकिस्टोमी को, ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब क्या करते हैं, सक्शन करने के बाद अपन एक्चुअली में ये हो गया अपना सक्शन कब कब करना चाहिए, उसके बाद में वॉश क्लीन मतलब जो ट्रेकिस्टोमी है उसको क्लीन कैसे करना है। तो क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेनली ये क्वेश्चन भी है हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल सलाइन है उससे अपन क्लीन कर सकते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन से, सोडा बाइकार्ब से अपन उसको क्लीन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन परोक्साइड से उसको क्लीन कर सकते हैं, है ना। ये भी एम्स में क्वेश्चन आया हुआ, इससे अपन क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं एक चीज़ और के लिए कि ये अपन डी कैनुलेशन कैसे कहते हैं, डी कैनुलेशन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना। डी कैनुलेशन किसको कहते हैं, डी कैनुलेशन कहने का मतलब ये, ट्रेकिस्टोमी अगर रिमूव कर रहे हैं, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसको अपन डी कैनुलेशन उसको कहते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखना। और स्टोमा, जो ट्रेकिस्टोमी का जो स्टोमा है उसको क्लीन करने के लिए अपन किस चीज़ का यूज करते हैं या किस तरीके केयर करते हैं, तो एक तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अपन जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके अनुसार अपन एंटीबायोटिक जो है वो ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। एक वैसलिन जो गौज है वो यूज कर सकते हैं, है ना, वैसलिन जो गौज है वो अपन वहाँ रख के केयर कर सकते हैं, ये चीज़, है ना। उसके बाद में ये हो गया हाइपोटेंस। अच्छा, एक छोटा सा और बच गया अपना, टाइप में क्या क्या होता है। एक तो होती है एमरजेंसी ट्रेकिस्टोमी, एक होता है प्रोफिलैक्टिक ट्रेकिस्टोमी, एक होती है एमरजेंसी। ये टाइप में बता रहा हूँ, थोड़ा आपको नॉलेज में रहना चाहिए, एग्जाम में तो नहीं आता है, खैर ऐसा। और एक होती है एमरजेंसी होगी, ये होगी, उसके बाद में एमरजेंसी ऊपर होगी, टेम्परेरी और परमानेंट। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मैं। एमरजेंसी में क्या होता है, जैसे कोई एमरजेंसी है ना, एमरजेंसी जैसे कोई एक पेशेंट है उसका पूरा एडल्ट है, पूरा पूरा सर है बहुत ज़्यादा अंदर से, ये पूरा मैंडिबल है, ये पूरा फ्रैक्चर हो गया उसका।